स्वागत है आप सबका डेली फोकस न्यूज़ में। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है कि अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी रेड करने पहुंची है। आखिर क्या संबंध है अनन्या पांडे और एनसीबी के बीच में? क्या अनन्या पांडे भी अब ड्रग्स में पकड़ी जाएंगी और जेल जाएंगी, या फिर क्या वजह है? क्या ड्रग्स का संबंध अनन्या पांडे से भी है इसलिए एनसीबी वहां पहुंची है? कुछ तो संबंध है, जब एनसीबी पहुंची है उनके घर पर रेड करने, तो कुछ तो संबंध है अनन्या पांडे का ड्रग्स से, इसलिए एनसीबी पहुंची है। अब दूसरी बात करते हैं कि शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी आज एनसीबी रेड करने पहुंची है। यानी कहा जाए तो एनसीबी पूरे जोर शोर से लगी हुई है ड्रग्स पैडल को ख़त्म करने के लिए, और बॉलीवुड पर पूरा जोर शोर से अपना ध्यान लगा दिया है। अब बात करते हैं कि क्या अनन्या पांडे भी आर्यन खान की तरह जेल जाएंगी, या फिर उनके ऊपर भी एनसीबी की जांच चलेगी। अब आज के जो ब्रेकिंग खबर आ रही है, चंकी पांडे की लाडली अनन्या पांडे के घर पर पहुँची है एनसीबी। अब क्या कुछ निकल के आता है, अभी तक यही खबर आई है, अभी तक यही वीडियो सामने आ रहे हैं कि अनन्या पांडे के घर बैंड्रा वाले घर पे एनसीबी पहुंची हुई है, और शाहरुख खान के घर मन्नत पर भी पहुंची हुई है। आज शाहरुख खान के बेटे की जमानत नहीं हुई है, शाहरुख खान के बेटे की जमानत 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट करेगी, यह आज शाहरुख खान के वकील की तरफ से बताया गया है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुँचे हैं, उनकी आज 15 मिनट मुलाकात की, जेल के अंदर दोनों की बातचीत हुई। लेकिन इसी बीच यह एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई कि अनन्या पांडे के घर पर एनसीबी जांच करने पहुंची है, एनसीबी रेड करने पहुंची है। अब अनन्या पांडे की बारी है, क्या यह अनन्या पांडे की अब बारी है? तो बॉलीवुड के तमाम बड़ी खबरों के लिए डेली फोकस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, देश दुनिया के हर खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप अनन्या पांडे की बारी है, क्या अनन्या पांडे का संबंध ड्रग्स से है इसलिए एनसीबी वहां पहुंची है? कमेंट करके जरूर बताइए आप।